कलायत में 3 मई को दुकानदार शेखर शर्मा पर हुई फायरिंग के मामले में CIA1 पुलिस की टीम ने मुख्य एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी आज कैथल CIA1 में पत्रकारों को DSP कलायत सज्जन कुमार ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांव बांस जिला हिसार के संदीप मोर के रूप में हुई। संदीप घटना के दिन तीनों आरोपियों के साथ था और वही मोटरसाइकिल लेकर आया था। DSP ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि संदीप BA का छात्र है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। संदीप कुछ समय पहले ही अपराधियों के संपर्क में आया था और उसकी यह पहली ही आपराधिक घटना थी जिसमें वह पकड़ा गया। DSP ने बताया कि गोली चलाने वाले 2 अन्य आरोपियों की पहचान हो गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए CIA1 की टीम लगातार रेड कर रही है। जल्द ही अन्य 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। एक आरोपी की गिरफ्तारी और अन्य की पुख्ता पहचान होने के बाद कैथल पुलिस ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर काफी दबाव भी था। वीडियो में देखें DSP सज्जन कुमार ने और इस मामले में क्या क्या जानकारी दी। ये जो 3 मई को कलायत में शेखर एक व्यापारी है, कपड़ा व्यापारी, जिसकी दुकान पे वारदात हुई थी जिसमें 3 लोगों ने, 3 बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल पे आके दुकान में फायर किया था और उसके कंटिन्यूस में हमने पहले 4 बंदे गिरफ्तार कर रखे और आज हमने मेन अक्यूज को भी अरेस्ट किया है। और इसमें हमारी CIA टीम CIA1 जिसमें हितेंद्र इंस्पेक्टर और संदीप हमारे रणदीप SI ने की मुख्य भूमिका रही है, जिन्होंने अपने बड़े सूझबूझ से अच्छा एक वर्कआउट किया है, जो कि काफ़ी समय से कलायत में ये तनाव भी था इस बात को लेके कि भाई वारदात ट्रेस नहीं हो रही, तो हमने एक अच्छी अचीवमेंट की है। ये जो संदीप हमने अरेस्ट किया है कल, जिसने अपने डिस्क्लोजर में बताया है और कि भाई हम 3 बंदे थे और मैं मोटरसाइकिल चला रहा था और हमने इस पे फायरिंग डराने के लिए और पैसे ऐंठने के लिए फायरिंग किया था। और इसके बाद हम इसको पुलिस रिमांड अप्लाई करेंगे और अभी इलाका मजिस्ट्रेट के पेश करेंगे और बाकी पूछताछ करेंगे, बाकी खुलासा हमने किया जाना है। और कहां से रश किया? अभी तक इसका ज़्यादा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये हार्ड कोर क्रिमिनल के टच में आ चुका है और इसीलिए हमें इसको अरेस्ट करने में भी काफ़ी टाइम। अभी हमने इससे पूछताछ करनी है और पूछताछ में जो भी चीजें होंगी आपको बता दी जाएगी। सर, जो बाकी आरोपी इसके साथ पकड़े गए हैं थोड़ा उनके बारे में बताइए कि कैसे, कहाँ कहाँ ये रहा, कैसे पकड़े आपने? नहीं, आप पहले भी हमने ये खुलासा किया था, जो मोटरसाइकिल यूज किया था, जिसने मोटरसाइकिल इसको सप्लाई किया था, उस मोटरसाइकिल ओनर को हमने पहले अरेस्ट किया है और जहाँ जहाँ ये ठहरा था और जिन्होंने भी इसको फाइनेंस किया, पैसे दिए, इसको खर्चा दिया, उन सबको भी हमने पहले अरेस्ट किया है और इसमें ना कि उसके फादर को भी हमने पहले अरेस्ट किया है और अब ये कल हमारे काबू आया है। सर, जो मुख्य आरोपी है, इनके साथ और भी कोई ग्रोह के सदस्य है या मेन यही ग्रोह चला रहा है, कुछ और भी है? इसके जो बाकी साथी हैं वो अभी अरेस्ट किए जाने हैं और इससे भी अभी गहनता से पूछताछ की जानी है। सब चीजें रिमांड के दौरान जो भी चीजें आएंगी सामने आपको बता दी। दुकानदार के ऊपर पहले भी हमला हुआ है, सिक्योरिटी मिली हुई है, क्या उससे कहीं जुड़े हुए तार तो नहीं, क्योंकि पहले हमला हुआ कोई ऐसा कुछ? नहीं, उससे तो नहीं जुड़े हुए, अब तक की तो ऐसी कोई बात नहीं है सामने, बाकी जो चीजें इंटरोगेशन में आएंगी वो आपको बता दी। कलायत के DSP का आप कार्यभार देख रहे हो, वहाँ से सर बातें सामने आई है कि वहाँ के व्यापारी अब भी बिन्नी गैंग को कहीं ना कहीं मंथली जो है वो पहुँचा रहे हैं, उस पे सर क्या कुछ काम कर रहे हो? देखो, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी गई है किसी की तरफ से भी, अंदर खाते क्या हो रहा है पुलिस को कोई खबर नहीं है और जो भी कोई खबर देगा या कोई भी इस बारे में हमें कंप्लेन करेगा उस पर तुरंत FIR दर्ज करके अगली कार्रवाई करेंगे। फायरिंग से पहले इन्होंने कोई डिमांड की थी या बाद में की जाएगी? ऐसी कोई कंप्लेन हमारे पास नहीं आई है और न ही बाद वाली आई है। फायरिंग से नहीं, इसने नहीं बताया है अभी तक, बाकी पूछताछ में अभी इंटरोगेशन होनी है, अभी तो अरेस्ट किया है, हम पुलिस रिमांड अप्लाई करेंगे दौरान इंटरोगेशन, उससे ये नहीं जुड़ा हुआ है, वो अलग है। इसमें मुख्य 2 आरोपी और रहते हैं जिनके लिए हमने रेड पार्टियां भेज रखी हैं, इंस्पेक्टर हमारे खुद अभी भी बाहर हैं इसी मैटर में। आरोपी का आपने रिकॉर्ड बताया कि ज्यादा किस तरह का रिकॉर्ड रहा इसका पिछला? जो अभी तक तो इसकी पूछताछ से, सरसरी पूछताछ से, तो प्राइम एफ एस ये बता भी स्टूडेंट था, लेकिन जो मेन क्रिमिनल हैं अभी जो बचे हुए हैं
इनके साथ इसकी दोस्ती रही है और उनसे सहयोग उन सहयोग के लिए इन्हें इकट्ठे हुए हैं। और इन्होंने वारदात का थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, जैसे इन्होंने वारदात की है, वारदात से पहले तित्रम रोड पर इकट्ठे हुए हैं, वहाँ इन्होंने अपने कपड़े चेंज किए हैं और वारदात करने के बाद फिर वापस तित्रम मोड पे आए हैं, वहाँ पर भी इन्होंने कपड़े चेंज करके फिर ये निकले हैं। ये बीए का स्टूडेंट है, ये तो आपस में इनका रहा है कहीं ना कहीं, इंटरोगेशन में तो कुछ चीज आएगी सामने। वेपन रिकवर करना है, वेपन अभी इसीलिए रिमांड अप्लाई कर रहे हैं, वेपन रिकवर करना और बाकी जो साथी हैं उनके ठिकानों का इसको पता है, वहां पे भी रेड की जानी। दो आरोपी हैं जो फरार हैं, उनके नाम भी कुछ सामने आए हैं इसमें। अभी तक एक बंदे का आया है नाम, जिसमें इसने अमित और अरुण मोहित, सॉरी वो तो दो डबल नाम से आ रहा है, वो क्लियर होना है, वो नाम बदल के रहते हैं जनरली, तो मोहित एक नाम सामने आया है, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है वो अरेस्ट होने पे और उसके ठिकाने पर रेड करने पर क्लियर होएगा। तो क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो है ये कड़ी जो है किस तरह जुड़ेगी और पुलिस को कैसे कागजात मिलेगी? इसको ठिकानों का पता है, इतना अभी इसने हमारे को बताया है, अभी हम इसको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हैं, जैसे ही रिमांड मिलेगा हम तुरंत रेड पर जाएंगे साथ लेके, जहाँ जाइए लेके जाएगा या उनके ठिकानों पर लेके जाएगा, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। इसकी उम्र कितनी होगी? ये लगभग 23 साल का। पूरा अखबार भरिया पड़िया से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी, हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पास ली। ठीक कैसे भाई, इन ने भी दे रखे सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस है, मैं माड़ा बलराज कुंडू, जो इनके खिलाफ आवाज ठाण लाग रहा से। अरे पर वो तो एकलास है। ना 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 ना, ई बेकला कोन्या, ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात, ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे, बोले तू मेरे साथ में और यो ले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है, व्यवस्था परिवर्तन।